हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मीठा बनाने जा रही थी। अभी तक मैंने बहुत सारा मीठा बनाया है, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं बनाई थी। साबूदाने की खीर बनाने जा रही हूँ। आई नो ये बहुत ही नॉर्मल सी डिश है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिगिनर्स हैं या फिर परफेक्टली किसी किसी की नहीं बन पाती है, तो मैंने सोचा शायद मैं उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो यहाँ पे मेरा ये है, आधा कप मैंने जो आधा कप से कम था मेरा साबूदाना, आधे कप का भी आधा मान लीजिए, और उसको मैंने 3 4 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद में अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और पानी निकाल दिया है। पानी भिगोने के बाद आपको वॉश करना है अच्छे से। यहाँ पे कुछ केसर के धागे हैं, दो मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं, आप इनको क्रश भी कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हैं। ये मैंने कुछ पिस्ते लिए हैं, 8 10 पिस्ते हैं, 8 10 मेरे बादाम हैं, इनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 5 से 6 टेबल स्पून मेरी चीनी है। यहाँ पे मैं लगभग 600 ग्राम दूध का खीर बना रही हूँ। तो ये दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, अच्छे से बॉइलिंग स्टेज पर भी आ चुका है वो। तकरीबन 5 6 मिनट से ये हाई हीट और आई मीन मीडियम टू हाई पे बॉयल हो रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो, दूध उबाल के रख लेती हूँ। दूध उबालना तो सबको आता है, उसमें क्या मुझे बताना। तो दूध मेरा अच्छे से बॉयल है, मतलब हीट मैंने एकदम लो रखी है। अभी इसमें हम डालते हैं साबूदाना आराम से। साबूदाना भिगाना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 3 घंटे आपको भिगाना ही पड़ेगा अच्छे से। अब हम फ्लेम अगेन बढ़ा लेते हैं, लो है, थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं जिससे ये अच्छे से पक जाए जल्दी से हमारी खीर। अभी दूध थोड़ा सा और कम हो जाए तब तक मैं इसको स्टर करती हूँ। अभी लगेगा 10 मिनट कम से कम। मैं इसकी फ्लेम मीडियम या मीडियम हाई रखूँगी और यहीं पे खड़ी रहूँगी, स्टर करती रहूँगी। अगर कहीं जाना है आपको तो फ्लेम कम कर लीजिए, क्योंकि दूध बहुत जल्दी ऊपर आता है। चलिए फिर थोड़ा सा दूध का थोड़ा सा और कम होने का वेट कर लेते हैं और थोड़ा सा खौल जाए अच्छे से। तो अच्छे से अभी मैंने इसको 8 से 10 मिनट बॉईल कर लिया है। मेरा दूध और भी कम हो गया है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसे ही जा रही है जैसी मुझे चाहिए। खीर है थोड़ी सी तो पतली पतली अच्छी लगती है। इसमें डालेंगे चीनी, चीनी के साथ मैं डालूंगी जो मेरी इलायची मैंने तोड़ के रखी है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं छिकल के साथ डालूंगी क्योंकि मुझे छिकल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, इसका जो छिलका होता है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस अभी चीनी के साथ ये मेरी खीर 5 मिनट और पकेगी और खीर मेरी तैयार हो जाएगी। फिर बाद में मैं आपको सर्व करके अच्छे से दिखाऊंगी गार्निश करके। अभी इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और इसको बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से। जितनी धीरे धीरे बनती है खीर या कोई भी चीज़ उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए फिर इसको 5 मिनट तक हम बॉईल कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से 5 6 मिनट और बॉईल करने के बाद अभी अभी मैंने अपनी खीर को अपनी डिशेस में सर्व किया है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और केसर का गार्निश किया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस, देखने में इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप लोग भी बना के देखिएगा, मैं तो खाने जा रही हूँ। गर्म गर्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, वैसे ये ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको बना के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर रख के फ्रीज़र में रख दीजिए 1 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद निकाल के खाइए। ओ माय गॉड, बस अब मुझसे वेट नहीं होगा, मैं तो जा रही हूँ। चलिए फिर, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।